महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के बाद एक अजीब दावा किया है। बुजुर्ग का कहना है कि दूसरी डोज लगवाने के बाद उसके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है, इस वजह से अब उसके शरीर पर स्टील के बर्तन बड़े आसानी से चिपक रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चुंबक लोहे की चीज़ों से चिपक जाता है। इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें साफ दिखाई पड़ता है कि उसके शरीर से चम्मच, छोटी प्लेट और घर में इस्तेमाल की जाने वाले बर्तन शरीर से कैसे चिपक रहे हैं। नासिक के इस बुजुर्ग का नाम अरविंद जगन्नाथ सोनार है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है। दोनों डोज कम्प्लीट होने के बाद ही उनके शरीर में इस अजीब शक्ति का विकास हुआ है। अरविंद नासिक के शिवाजी चौक में रहते हैं। जब पहली बार यह घटना हुई तो परिवार के लोगों को लगा कि शायद उनके पसीने की वजह से बर्तन शरीर में चिपक रहे हैं, जिसके बाद अरविंद सोनार को नहलाया गया। इसके बाद भी उनके शरीर से लोहे की चीज़ें चिपकती रही। फिलहाल यह घटना कई दिनों से हो रही है। ऐसे में यह मामला नासिक शहर के डॉक्टरों के लिए भी एक अजीब पहेली बन गया। नासिक जिले के डॉक्टर अशोक थोराज से जब इस विषय में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शोध का विषय है, इस मामले में फिलहाल कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उसकी पूरी जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या है। फिलहाल हम इसकी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को भेजेंगे और उनके निर्देश के मुताबिक काम किया जाएगा। आपको बता दें कि अरविंद सोनार के बेटे बताते हैं कि उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, जिसमें दिल्ली का कोई शख्स यह बता रहा था कि कोरोना की सेकेंड डोज लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। यह वीडियो देखकर मैंने भी अपने मम्मी पापा से कहा कि इसे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। जब हमने सिक्के, चम्मच, प्लेट जैसी चीज़ों को पापा के शरीर से लगाया तो वह सारी चीज़ें उनके शरीर में चिपक गई। इस घटना से पूरा परिवार हैरान है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर शरीर में इतनी बड़ी मात्रा में चुंबकीय शक्ति कैसे पैदा हुई है। हालांकि डॉक्टरों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में पहले ही कोरोना वैक्सीन को लगवाने को लेकर भ्रम और भय का माहौल है। कई गांवों में लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के नाम से डर रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह की खबरें सामने आएगी तो वैक्सीन के अभियान में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लिहाजा सरकार और नगर पालिका को यह मामला बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि सूरत दर्पण इस बात की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है कि यह घटना कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बाद हुई है। हर रोज नए खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे खबर लगते ही आप तक।